हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंस के ब्लॉग्स। दोस्तों, फाइनली मैं आ चुका हूँ मुंबई के मड आइलैंड में, जो मलाड रेलवे स्टेशन से करीब 13 किलोमीटर दूरी पर है। तो आज की इस वीडियो में गाइज हम आपको दिखाने वाले हैं जो द कपिल शर्मा शो में जज की भूमिका निभाती हैं यहाँ पर अर्चना पूरन सिंह, उनका घर कि वो मुंबई में कहाँ पर रहती हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको उनके घर के अंदर का भी पूरा वीडियो दिखाऊंगा, तो आप लोग इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। और आपको ये भी बताऊंगा कि उनकी प्रॉपर्टी कितनी है और उनके पास कौन कौन सी कार है, उनके घर की प्राइस क्या है। आपको बता दें, वो कपिल शर्मा के शो में जज की भूमिका निभाती हैं, तो उसके लिए कपिल शर्मा उन्हें कितना चार्ज करते हैं, मतलब उनकी कितनी फीस है, सब कुछ बताऊंगा। तो आप लोग इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा गाइज। फिलहाल मेरे पीछे का नज़ारा और इधर का भी नज़ारा आप लोग देख सकते हैं, हर तरफ आपको हरियाली ही हरियाली नज़र आएगी, क्योंकि ये है मड आइलैंड और बहुत ही ब्यूटीफुल एरिया है, मुंबई का सबसे खूबसूरत एरिया, क्योंकि यहाँ पर समुद्र एक तो है और एक बगल में पूरा का पूरा हरियाली ही पड़ा हुआ है, जैसे एकदम गाँव की याद आ रही है। तो चलिए फिलहाल चलते हैं हमारे पीछे अर्चना पूरन सिंह का, यहाँ पे करीब 200 मीटर की दूरी पे उनका घर है, तो उनके घर का ब्लॉग आपको दिखाते हैं। दोस्तों, फाइनली मैं अर्चना पूरन सिंह मैम के घर के सामने पहुँच चुका हूँ। ये है सनाया बिल्डिंग। इस बिल्डिंग में हेरा फेरी जो मूवी आई थी उसकी शूटिंग हुई है, और जस्ट इसी की अपोजिट साइड में जो बिल्डिंग है, जो सोसाइटी है, उसी में अर्चना पूरन सिंह मैम का घर है। ये जो दीवार आपको दिख रही है, तो देखिए इसका दूसरे नंबर वाला गेट आपको दिख रहा होगा, यही है। और आपको बता दें, निजी उनका इसमें ऐसा नहीं है कि ये गेट सिर्फ निजी उन्हीं का है, इसके अंदर पूरी सोसाइटी बसी हुई है। कई सारे लोगों का अपना अपना बंगलो है, कई बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, तो वो भी इसी में इनका एक बंगला है जिसमें वो अपनी पूरी फैमिली के साथ रहती हैं। तो ये जो गेट आप लोग देख रहे हैं ना, ये दो नंबर गेट है और एक इसके सीधे आगे एक नंबर गेट है, और ये दोनों गेट इसी सोसाइटी का है। इसके अंदर पूरा हरियाली भरा हुआ है, चारों तरफ आप देखोगे तो आपको बड़े बड़े पेड़ पौधे नज़र आएंगे। और इस गेट के अंदर सबको जाना अलाउ नहीं है, क्योंकि ये किसी की मतलब ऐसा नहीं है कि किसी एक लोगों का है, इसमें करीब 100 लोगों का अपना पर्सनल प्रॉपर्टी है। इसकी वजह से यहाँ पर दो दो गेट बनाए गए हैं और काफ़ी लंबे एरिया में ये बना हुआ है। तो आप लोग ये जो गेट के बगल में हिस्सा देख रहे हैं ना, वो चारों तरफ से गार्डन बनाया गया है। तो चलिए हम थोड़ा सा आपको अर्चना मैम के घर के अंदर का जो वीडियोज है, जो उनके बंगले का वीडियोज है, और उनके घर के अंदर का किचन है और गार्डन है, वो सब भी आपको हम दिखाते हैं। दोस्तों, आगे आपको पूरी वीडियो मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा अर्चना मैम के बारे में आपको बता दें कि अर्चना का जन्म एक पंजाबी परिवार में 26 सितंबर 1962 को देहरादून में हुआ था। अर्चना ने अपनी शुरुआती पढ़ाई देहरादून में की। अर्चना को बचपन से ही एक्टिंग और मॉडलिंग का शौक था, जिस कारण वो पढ़ाई छोड़कर मॉडलिंग करियर बनाने के लिए मुंबई आ गई। अर्चना की शादी टीवी कलाकार अभिनेता परमित सेट्टी से हुई है और इनके दो बेटे हैं, आयुष्मान सेट्टी और आर्यमान सेट्टी। तो देखिए, ये जो गेट है ना, ये नंबर वन गेट है, मतलब गेट नंबर वन, और इसी के जस्ट आगे अर्चना मैम का बंगलो है, और अभी हम आपको पूरी वीडियो यहां पर गाइस दिखाएंगे। अर्चना पूरन सिंह ने कई सारी मूवी भी की है, जिसमें प्रसिद्ध फिल्में हैं मोहब्बतें, बोल बच्चन, कुछ कुछ होता है, कल किसने देखा है, राजा हिंदुस्तानी, क्रिस, मस्ती, बड़े दिलवाले, मैंने दिल तुझको दिया, होगा तूफान, सोला और शबनम, निकाह, आशिक, आवारा, टक्कर, जानसीन, इन सारी मूवी में इन्होंने बहुत ही अपना बढ़िया रोल निभाया है। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बाहर गार्डन में चेयर लगा हुआ है, और ये जो आपको औरत बैठी हुई दिखाई दे रही हैं, ये अर्चना पूरन सिंह जी की माँ हैं और यहाँ बाहर बैठी हुई हैं। और अभी पीछे देखिए कितनी हरियाली है, कितना पेड़ पौधे लगाए गए हैं, और यहाँ पर जो इनके पति हैं ना, वहाँ बाहर एक्सरसाइज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो इनके हस्बैंड हैं सेट्टी जी। तो आप लोग देख सकते हैं कि इनका जो बंगलो है, वहाँ अंदर काफ़ी सुंदर सा गार्डन है, और यहीं पर ये लोग वॉकिंग और एक्सरसाइज हमेशा करते हैं। और इनके पीछे जो आप लोग बंगलो देख रहे हैं ना, यही अर्चना सिंह जी का घर है, जो मड आइलैंड में है, काफ़ी सुंदर सा बंगलो है। अभी हम आपको इस घर के अंदर का पूरा आपको वीडियोज भी दिखाएंगे। ये इनकी माता जी हैं, ये अक्सर अपनी माता जी के साथ मस्तियाँ करती रहती हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर सा ये गार्डन है, और ये जो बंगलो आपको पीछे दिखाई दे रहा है, यही इनका बंगलो है।
यहाँ पर देख सकते हैं ये इनके बंगलों का पूरा वीडियो मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, क्योंकि आपको पूरे YouTube पे किसी ने नहीं दिखाया होगा ये वीडियो। और गाइस जिस वीडियो में जो आपको ये औरत दिखाई दे रही है, ये अर्चना पूरन सिंह की मेड है जिसका नाम भाग्यश्री है। और ये जो आपको लड़का दिखाई दे रहा है इसका नाम राज है, ये भी मेड है। और ये इनका किचन है, अभी मैं आपको किचन के अंदर का भी पूरा नज़ारा दिखाता हूँ। देखिए किचन में एक बहुत ही छोटी सी अच्छी सी टीवी लगाई गई है, और यहाँ पर इनका जो किचन है ना वो भी काफ़ी खूबसूरत है। आप लोग देख सकते हैं कितना बढ़िया इसको सजाया गया है। इस वीडियो में देख सकते हैं ये शाम का नज़ारा है और घर की लाइट भी जल रही है, और ये इनका बंगलो है जो शाम के टाइम में भी काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रहा है। और गाइज ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं ये अर्चना सिंह पूरन जी के बेडरूम का वीडियो है, ये पूरा नज़ारा। और इनकी जो मेड हैं भाग्यश्री वो इनके बेडरूम को सजा रही हैं। तो देख सकते हैं आप लोग पूरी जितनी भी वॉल है ना उसको वाइट कलर से पूरा पेंट किया गया है, जिससे काफ़ी खूबसूरत लुक देखने को मिल रहा है। और ये इनके घर के अंदर का टीवी रूम है जहाँ पर ये बैठकर अक्सर टीवी देखती हैं। देखिए इनके पीछे आपको ग्लास में सामने टीवी चल रहा है वो दिखाई दे रहा है। और इनके बेटे जो हैं वो मदर्स डे पे केक लेकर जा रहे हैं, इनके लिए सरप्राइज दे रहे हैं। आपको बता दें इनके दो बेटे हैं आयुष्मान सेट्ठी और आर्यमान सेट्ठी। तो देख सकते हैं आप लोग इस वीडियो में देख सकते हैं इनकी माँ बाहर चेयर पर बैठी हुई हैं, और ये इनका छोटा सा बहुत ही प्यारा सा गार्डन है। यहाँ पर देखिए इनके पास दो डॉग हैं, और आप लोग देख सकते हैं ये डॉग ये है और दूसरा डॉग भी यहीं पर है, ये दूसरा इनका डॉग है, और इनके घर की रखवाली यही दोनों डॉग करते हैं। इस वीडियो में आप लोग देख सकते हैं ये इनके हस्बैंड हैं सेट्टी जी, और यहाँ पर ये भी वॉक कर रहे हैं और वीडियो बनाया जा रहा है इनका। तो ये हमेशा अपने घर के सभी लोगों के साथ मस्तियाँ करती हुई रहती हैं। यहाँ पर देखिए इनके बेटे हैं आर्यमान और आयुष्मान सेट्टी, जो आपको यहाँ पर वॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पे रनिंग कर रहे हैं ये लोग। और इनके घर के बाहर का नज़ारा कुछ इस तरह का है, देखिए खुद यहाँ पर अर्चना पूरन सिंह जी ये वीडियो शूट कर रही हैं। इनके बंगले के चारों तरफ आपको यहाँ पे एक पूरा एरिया दिखाई देगा जहाँ पे आप वॉक कर सकते हैं या रनिंग कर सकते हैं, देख सकते हैं इनके बंगले के चारों तरफ का नज़ारा है। काफ़ी छोटे छोटे प्लांट्स भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, और मतलब पूरा चारों तरफ ना मड आइलैंड में ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। तो देख सकते हैं यही उनका बंगलो है जहाँ पे अपनी पूरी फैमिली के साथ ये रहना पसंद करती हैं, और कई सारे रियलिटी शो में जज की भूमिका भी निभाते हैं। ये बड़े बड़े जो आप लोग बिल्डिंग देख रहे हैं ये इसी गेट के रास्ते से देखिए वहाँ पर दिख भी रहा है, और इनका बंगलो ठीक उस बिल्डिंग के बाजू में ही है जहाँ पर काफ़ी अच्छा गार्डन है, बैठने के लिए जगह है, वॉक करने के लिए, टहलने के लिए, सब कुछ, मतलब एकदम बहुत ही ज़बरदस्त का नज़ारा है। ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे ये वीडियो इनके बंगले के सामने का है जहाँ पे इनके दोनों बेटे और इनके हस्बैंड गेंद को कैच करते हुए नज़र आ रहे हैं, और यही इनके बंगलों के सामने का गार्डन है, और पीछे भी गार्डन है जो कि मड आइलैंड का सबसे खूबसूरत जगह है। और आपको मैं यहाँ पर सब कुछ दिखा रहा हूँ कि इनके बंगलों के बाहर का नज़ारा कैसा है। देखिए काफ़ी अच्छा वेदर भी है, तो ये अपने दोनों बच्चों के साथ और हस्बैंड और अपनी माँ के साथ इसी मड आइलैंड वाले बंगले पे अर्चना पूरन सिंह जी रहती हैं। दोस्तों अगर वहीं पर अर्चना पूरन सिंह जी के नेटवर्थ की बात करें तो इनका टोटल नेटवर्थ करीब 250 करोड़ रुपए का है, और ये जो कपिल शर्मा शो की गेस्ट जज हैं उसके लिए इन्हें प्रति एपिसोड 10 से 15 लाख रुपए फीस दिए जाते हैं। आपको बता दें इनका कार कलेक्शन भी बहुत ही लग्जरियस है, इनके पास मर्सिडीज बेंज एस 350D जिसकी प्राइस 1.4 करोड़ रुपए है, ऑडी है जिसकी प्राइस 45 लाख रुपए है, महिंद्रा थार है जिसकी प्राइस 12 लाख रुपए है, मर्सिडीज बेंज 250D है जिसकी प्राइस 75 लाख रुपए है, और लैंड रोवर है जिसकी प्राइस 60 लाख रुपए है। अर्चना पूरन सिंह जी की कमाई बहुत ही अच्छी खासी होती है, और मंथली वो करीब 2 से 4 करोड़ रुपए आसानी से
महीने कमा लेते हैं। तो गाइज आज की इस वीडियो में मैंने आपको अर्चना पूरन सिंह जी के घर का पूरा ब्लॉग अंदर का भी दिखा दिया है। इनके घर के बाहर का गार्डन जितना खूबसूरत है उतना ही खूबसूरत घर के इंटीरियर है। वो या तो किचन हो या इनका बेडरूम हो या वो बालकनी हो, कुछ भी हो, इतने अच्छे से उसको इन्होंने सजाया है कि क्या बात ही है। तो गाइज इस वीडियो में मैंने आपको सब कुछ यहाँ पर दिखा दिया है कि उनका घर कहाँ पर है और अंदर से कैसा दिखता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि इधर समुद्र का पूरा नज़ारा आपको दिखाई देगा और ये है मड आइलैंड। और अगर आप लोग अर्चना पूरन सिंह के घर पे जाना चाहते हैं तो आपको वहाँ पे लिखा है आई लव मड और वहीं से ओल्ड फेरी वाले रोड पे आपको सीधा जाना है। वहाँ से यहाँ पे आपको एक छोटा सा प्यारा सा चर्च देखने को मिलेगा और इसके आगे करीब यहाँ से 2 किलोमीटर आगे आपको मिथुन चक्रवर्ती का बंगलो देखने को मिल जाएगा। तो ये बिल्डिंग आपको देखने के मिलेगी चौराहे पे, वहाँ लिखा है चौराहे पे आई लव मड और इसके सीधे ही अर्चना पूरन सिंह का यहाँ से 500 मीटर पे घर है। और देखिए यहाँ पर भी समुद्र है, पूरा समुद्र से ये घिरा हुआ है।